विधायक सत्यनारायण पटेल को SMS और कॉल कर 5 लाख रुपए की राशि मांगने वाले आरोपित को और कांग्रेस नेता और निगम अफसर से 25 लाख रुपए की राशि मांगना कबूल किया है। दरअसल आरोपी की बहन नगर निगम में काम करती थी और वहां से वो अफसरों के नंबरों की सूची लेकर आई थी और आरोपी ने उन्हीं नंबरों में से एक नंबर को फिरौती के लिए चुना और उसे फिरौती के लिए फ़ोन लगा दिया। आरोपी ने फिल्म रेस की तरह खुद का नाम गॉडफादर रखा था, जिसे वो SMS में भी लिखता था और पर्चियों पर भी छोड़ देता था। आरोपी का नाम राज रतन तक है और वो 12वीं तक पढ़ा है और मार्शल आर्ट्स की क्लास चलाता है। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वो रुपए वसूल कर धनवान बनना चाहता था, इसलिए 7 महीने से फिरौती की रकम में जुटा हुआ था। उसकी बहन कांग्रेस नेता का चुनाव कार्यालय संभालती है और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में भी शामिल थी। तो आरोपी ने अपनी बहन के बैग से नेता और अफसरों के नाम के नंबरों की लिखी हुई लिस्ट निकाल ली थी और उसी से वो अफसरों और नेताओं को धमका रहा था। आरोपी ने 3 महीने पहले नर्मदा विकास प्राधिकरण में पदस्थ अफसर चेतन रघुवंशी को कॉल कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। रघुवंशी को उसकी बात पर शक हुआ तो उन्होंने कहा कि रुपए नहीं दूंगा, पिटाई कर दूंगा। उन्होंने ट्रू कॉलर पर नंबर सर्च किया तो राज रतन का नाम सामने आया। उन्होंने कर्मचारी से भी ये बात कही और कहा कि ये व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है, तो कर्मचारी ने नाम देख कर कहा कि वो मेरा भतीजा है। उसने राज रतन को फटकार लगाई तो राज रतन ने नंबर बंद कर लिया। आरोपी ने कांग्रेस नेता शेख को भी कॉल किया और उनसे कहा कि तेरी हत्या कर दूंगा, मैंने गोली मारने की फील्डिंग जमा ली है। शेख को लगा कि कोई ड्रग माफिया कॉल कर रहा है, उन्होंने उसे फटकारा और कहा कि तू कहाँ मिलेगा, मैं खुद आ जाता हूँ। उसके बाद आरोपी ने मोबाइल बंद कर लिया और शेख ने क्राइम ब्रांच साइबर सेल को इसकी शिकायत की थी। स्वास्थ्य अधिकारी को भी 25 जून को 4 बार मैसेज किया और उनसे भी 25 लाख रुपये की राशि की मांग की थी। उन्होंने इसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो आरोपी ने कहा कि रुपये तैयार रखना वरना 3 दिन में गोली मार दूंगा। यादव ने लिखित शिकायत नहीं की लेकिन क्राइम ब्रांच को स्क्रीनशॉट भेज दिए थे। आरोपी ने कलेक्टर को भी धमकाया था और पूर्व विधायक को भी आरोपी ने फिरौती देने बुलाया था और कहा था कि मैं पता बता दूंगा और वहां फिरौती की रकम पहुंच जानी चाहिए। आरोपी ने बताया कि वो गुम हो गई सिम और चोरी हुए मोबाइल से कॉल करता था ताकि वो पकड़ में ना आ सके। आरोपी को 7 महीने पूर्व भवरकुआ क्षेत्र से एक सिम पड़ी मिली थी और ऑटोमोबाइल शोरूम के CUG ग्रुप की वो सीम है। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो ऐसे नंबर मिले जिन्हें वो पहले कॉल कर चुका था। इनसे आरोपी का सुराग मिला और लोकेशन निकाली और उसके घर की लोकेशन निकली और पुलिस द्वारा आरोपी को उसके घर से दबोच लिया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।